सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। द्रौपदी जब अपने शिविर में लौटी और अपने पांचों पुत्रों को मृत देखा तो चित्कार कर उठी, कहने लगी, हे अच्युत, हे मिलिंद, हे केशव, तुम कहाँ हो? तुम्हारे सहारे ही तो इस युद्ध का बिगुल बजाया था। तुम्हारे आश्रय स्थली के अंतर्गत ही एक नारी ने न्याय की गुहार की थी। तुम्हारी अंतर छाया में ही तो पल रहे थे, तुम्हारे होते मेरी गोद सूनी कैसे हो गई? तुम्हारे अतिरिक्त तो हमारा कोई रक्षक नहीं था कृष्ण, फिर तुमने मेरे बच्चों को बचाया क्यों नहीं? मेरे संतानों की रक्षा क्यों नहीं की? इस द्रौपदी के जीवन में तो दुखों की कभी कोई कमी ना रही, लेकिन आज एक माँ का आंचल सूना हो गया कृष्ण, इस माँ की पीड़ा का कोई अंत है क्या? किसी माँ के घर में अगर उसकी एक संतान भी काल की गाल में चली जाती है, रो रो कर वो माँ बेहाल हो जाती है। लेकिन आज द्रौपदी की समस्त संतानें मृत्यु का वरण कर चुकी हैं, उस माँ की पीड़ा का अनुमान लगाइए जरा, उसकी पीड़ा अंत नहीं है। और उसे करुण हृदय के साथ बार बार अपने अच्युत को, अपने केशव को बुला रही है, केशव कहाँ चले गए तुम? जब सारा जग सो रहा होता है, मात्र तुम जाग रहे होते हो, फिर तुम्हारे होते मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे घटित हो गया? तुम्हारे होते आज मेरे बच्चे मुझे छोड़कर कैसे चले गए? इस दारुण विलाप में कृष्ण के हृदय को हिला दिया। कृष्ण ने पांडवों को कहा, ये पांचाली का विलाप है, ये उसी का करुण स्वर है, हमें जाना होगा। पांचों पांडवों को लेकर कृष्ण आज चल पड़े द्रौपदी के उसी शिविर की ओर। जानते थे कृष्ण ऐसा होने वाला है, इसलिए तो द्रौपदी के पुत्रों को भी उन्होंने साथ चलने का संकेत दिया। लेकिन द्रौपदी के पुत्र ये बात कहां समझ पाए? भगवान संकेत दिया करते हैं, चलना तो जीव को होता है। चाहते तो भगवान अर्जुन के लिए युद्ध लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने अर्जुन को यही कहा, युद्ध तुम्हें लड़ना है, मैं तुम्हें राह दिखाऊंगा। कई बार हम ईश्वर के संकेत नहीं समझ पाते और ईश्वर को दोषारोपण करते हैं, ईश्वर पर दोष लगाते हैं कि तुमने हमारे साथ क्या किया। वो निर्मोही नहीं है, आपका रुदन वो भी सहन नहीं करता है। और कृष्णा तो उसकी प्रिया थी, उसकी सखी थी, वो जानते थे कि द्रौपदी की आंखों के अश्रु, उसका सामना मैं कैसे करूंगा। द्रौपदी का दारुण विलाप पांडवों ने देखा तो उस समय भीमसेन ने कहा, शांत हो जाओ पांचाली। द्रौपदी ने कहा, शांत हो जाओ, कैसे शांत हो जाऊं? जिस माँ के पांच पांच पुत्र मृत पड़े हो, आप उसे शांति का पाठ पढ़ाएंगे? मेरी वेदना, मेरी पीड़ा का अंत मैं ही जानतू नहीं हो सकता। एक माँ जानती है वो कैसे प्रसव पीड़ा से गुजरती है, कैसे बच्चे को जन्म देती है, बच्चे को अपनी आंखों के सामने बड़े होते देखती है, उसके अरमानों के महल ढह जाते हैं, उसकी खुशियों के स्वप्न चकनाचूर हो जाते हैं। उस माँ को आप शांति का संदेश कैसे देंगे? अर्जुन ने कहा, पांचाली, मैं तुम्हारे अश्रु तब पहुंचूंगा जब उस आतताई को मैं पकड़ कर लाऊंगा और उसका सिर गांडीव धनुष के बाणों से काट दूंगा। भगवान तो चिंता में पड़ गए, अर्जुन ने ये कैसे प्रतिज्ञा कर ली? अश्वत्थामा ब्राह्मण है और स्वयं देखिए ब्राह्मण की हत्या कितना घोर पाप माना जाता है, लेकिन क्षत्रिय अगर प्रतिज्ञा पूरी ना करे ये भी घोर अपराध माना जाता है। एक मध्यम मार्ग तो निकालना ही होगा।
इसलिए अर्जुन ने कृष्ण जी के मार्गदर्शन में एक ऐसी राह ढूंढी कि उन्होंने अश्वत्थामा के मस्तक पर जड़ित मणि निकाल ली। हालांकि अश्वत्थामा ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र तक चलाया और अर्जुन ने भी प्रतिक्रिया स्वरूप चलाया, लेकिन इस संसार के रक्षण के लिए, इस ब्रह्मांड के रक्षण के लिए कृष्ण के कहने पर वो दोनों ब्रह्मास्त्र वापस लौटा लिए गए। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को चलाना तो जानता था, लौटाने की विधि नहीं जानता था। अश्वत्थामा आज मानव जाति को नष्ट करने चला था। उसने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र तक का संधान कर दिया। न केवल वो पांच पुत्रों की उस माता के दुख का हेतु है, अपितु साथ साथ उनके वंश में जो उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का जो बीज पल रहा है वो उसको भी वो मारने के लिए लालायित तो हो गया था। भगवान श्री कृष्ण वहां खड़े होकर उन्होंने उत्तरा के गर्भ को अपनी माया कवच से ढका। अश्वत्थामा केवल द्रौपदी का अपराधी नहीं है, केवल उत्तरा का अपराधी नहीं, वो तो पूरी मानव जाति का अपराधी बन गया था। जानते हो कैसे? अश्वत्थामा की मणि निकालकर जब उसे जीवित छोड़ दिया गया, अश्वत्थामा को ये लग रहा था कि मैं ऐसा कुछ करूं कि पांडवों का वंश निर्बीज हो जाए, जबकि द्रौपदी के कहने पर अश्वत्थामा को जीवित छोड़ा गया। उसने कहा मुच्यताम एषनाथ, मुच्यताम, इसे छोड़ दीजिए। आज बच्चों के मृत हो जाने से मैं पीड़ित हूं, अगर अश्वत्थामा मारा गया तो माँ गौतमी ऐसे ही रोएगी, भला एक माँ दूसरी माँ को पीड़ा कैसे दे सकती है। और उसी अश्वत्थामा ने फिर उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। एक नन्ना भ्रूण जो भगवान की कृपा से धरती पर जन्म लेने वाला है, उसे धरती पर आने से पहले मार देना, ऐसा घिनौना कृत्य करने वाला कभी भी भगवान की नजरों में क्षमा का अधिकारी नहीं हो सकता। वह भगवान के श्राप का भाजन बनता ही बनता है, इसलिए अश्वत्थामा श्रापित हुआ। लोग मुझे कहते हैं साध्वी जी, क्या आप इस बात को मानती हैं कि अश्वत्थामा अभी भी जीवित है, वो अभी भी दर पर भटक रहा है? प्रश्न यह नहीं है कि अश्वत्थामा आज जीवित है तो कहाँ है, भटक रहा है या नहीं भटक रहा, प्रश्न यह है कि ये घटना हमें सिखाना क्या चाहती है। अश्वत्थामा को ढूंढने निकलेंगे तो समाज की समस्याओं का समाधान नहीं मिलेगा। अश्वत्थामा की घटना क्या कह रही है? अश्वत्थामा के मस्तक पर जड़ित मणि को अलग कर लिया गया। अश्वत्थामा उस समाज का प्रतीक है, जो समाज धर्म रूपी मणि का परित्याग कर देता है वो समाज कभी जीवित नहीं बचता। अगर कोई राष्ट्र बचता है तो अपने धर्म के आधार पर बचता है, अपनी संस्कृति के आधार पर बचता है। उसकी मणि अलग होना ही उसकी मृत्यु का हेतु बना। उस घाव को रिश्ते रिश्ते उसकी पीड़ा और उसकी दुर्गंध ने उसके जीवन को वैसे ही श्रापित कर दिया। वो पहले भी मरे जैसा था, आज भी अगर होगा तो मरे जैसा है, लेकिन हम अपनी धर्म रूपी मणि को अश्वत्थामा रूपी समाज से कभी अलग ना करें। हम धर्म के पथ पर चले, हम ईश्वर की भक्ति करें, अपनी सनातन संस्कृति का सम्मान करें, अपने राष्ट्र का सम्मान करें। यही विश्ववारा संस्कृति है जो आने वाले समय में पूरे राष्ट्र का मार्गदर्शन करेगी। लेकिन विडंबना है, हम इन बातों को कहानियां समझ कर छोड़ देते हैं, हम सीखते नहीं हैं। यही हमारे जीवन की विडंबना है। हम रोते हैं, विलाप करते हैं, रोई द्रौपदी भी, लेकिन द्रौपदी के विलाप ने मानो आने वाली पीढ़ी को कोई शिक्षा दे दी। जब उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का संधान हुआ, वहां पर पांडव भी थे। उत्तरा ने जब चित्कार किया, पाही पाही महायोगिन देवदेव जगतपति, मेरी रक्षा करो हे महायोगी, हे देवों के देव, ये सब एक दूसरे के मृत्यु के निमित्त बने हुए हैं। ये जलता हुआ लोहे का बाण भले मुझे जला दे, मेरे गर्भ को नष्ट ना करे। आखिर उस उत्तरा ने द्रौपदी को क्यों नहीं पुकारा? क्योंकि वो पीड़ा में थी, पुकार सकती थी। उत्तरा चाहती तो कुंती को पुकारती, उसने नहीं पुकारा। वो चाहती तो पांचों पांडवों को बुलाती, उसने नहीं बुलाया। उसने किसे बुलाया? उसको, कृष्ण।
जो सबके सुनता है। आखिर उत्तरा को चेतना कैसे आई कि मैं मात्र कृष्ण को पुकारूं, किसी और को ना पुकारूं? क्योंकि उत्तरा के जीवन पर द्रौपदी के सत्संग विचारों का प्रभाव है। हमारे दृष्टिकोण में द्रौपदी क्या है? लोग कहते हैं, साध्वी जी, द्रौपदी तो महाभारत युद्ध का कारण बनी है। लोग कहते हैं जितने भी युद्ध होते हैं उसके पीछे नारी, राम रावण युद्ध हुआ नारी की वजह से, महाभारत युद्ध हुआ नारी की वजह से। ये तथा कथित बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों का ये जो दिमाग गलत दिशा में चलता है ना, इनको सन्मार्ग पर लाने का कार्य ऐसे महान पर्व करते हैं, कुंभ जैसे पर्व। द्रौपदी के पुत्रों का हत्यारा उसके सामने खड़ा है, होना क्या चाहिए? एक मां आवेश में आकर उसे मार सकती है, लेकिन उसने कहा इसे छोड़ दीजिए नाथ। उसका त्यागमय चरित्र हमने देखा। वो द्रौपदी जिसको जीता तो अर्जुन ने, लेकिन जिसे पांच पांच पुरुषों की पत्नी बनकर जीना पड़ा, कृष्ण ने कहा कि इन पांचों का समुच्चय धर्म स्थापना में सहयोग देगा, तुम्हें इनको बांध कर रखना है। आने वाले समय में धर्म स्थापना के लिए द्रौपदी ने अपनी इच्छाओं की आहुति दी। कृष्ण जैसी परम शक्ति के मार्गदर्शन में उसकी पीड़ा तब भी समाज नहीं समझ पाया। द्रौपदी के सत्संग विचारों का प्रभाव उत्तरा पर पड़ा कि ये समाज अपना नहीं है, ये संसार उलाहने देता है, लांछित करता है। मेरी संकट की बेला में जब भी कोई काम आया उत्तरा, हमेशा गिरिधर काम आए। जब भी कभी जीवन में ऐसे पल आए तो सिर्फ प्रभु को पुकारना, वो भी सच्चा सहारा है। और रोते रोते द्रौपदी कहती है, मैं तुम्हें अपने जीवन की घटना सुनाती हूँ उत्तरा। जब हंसते खेलता परिवार मेरा था और हम हस्तिनापुर में गए थे, नहीं जानती थी कि दुर्भाग्य मानो मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। जब मेरा पति जुए में सब कुछ हार गया, अपने भाइयों को भी हार गया, अपनी संपत्ति हार गया, ऐसे समय में मेरे पति ने मुझे दाव पर लगाया और दुशासन मुझे बालों से पकड़कर घसीटते हुए जब सभा में लिवा जाने लगा, तो मैंने हाथ जोड़कर कहा, तुम मेरे देवर हो और माँ और भाभी में कोई अंतर नहीं होता है। भाभी माँ समान होती है, क्या कोई अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है? मैंने जब भी तुम्हें देखा पुत्र भाव से देखा, एक पुत्र क्या अपनी माँ को बालों से पकड़कर घसीट कर लेकर जाता है? मुझे अपने बुजुर्गों के समक्ष ऐसी अवस्था में मत लेकर जाओ। दुशासन ने मेरी एक ना सुनी और मुझे बालों से पकड़कर घसीटते उसने सभा में ला पटका, और जब मुझे सभा में पटका, मेरे सामने समस्त वरिष्ठ समाज था, एक और द्रोणाचार्य, एक और कृपाचार्य, एक और भीष्म पितामह बैठे हैं, महाराज धृतराष्ट्र सिंहासन पर आसीन है, विदुर काका बैठे थे, जिन बुजुर्गों के समक्ष मैं कभी स्वप्न में भी ऐसी अवस्था में जाने की कल्पना नहीं करती, ऐसी अवस्था में दुशासन ने मुझे भरी सभा में पटक दिया। मैं बहुत गिड़गिड़ाई, बार बार हाथ जोड़कर दुशासन से कहा कि मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरा पति जुए में सब कुछ अगर हार गया है तो पत्नी तो पति की अर्धांगनी होती है, तो पत्नी भी अपने आप उसके साथ हार गई, फिर मुझे अलग से दाव पर क्यों लगाया गया? भरी सभा में द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे रहा। द्रौपदी भीष्म पितामह को कहती है, हे वयोवृद्ध पितामह, आप जानते हैं जब विवाह के बाद प्रथम बार मैं आपकी सभा में आई थी, आपने मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया था। आज अपने आशीर्वाद की दुर्दशा तो देखिए, मैं जिस वंश से हूं, मैं जिस कुल से हूं, आप जानते हैं हमारी कुल की परंपरा क्या है? वहां बेटियों के सम्मान के लिए व्यक्ति मर मिट जाया करते हैं, अपनी बहनों के रक्षण के लिए भाई अपनी गर्दन तक कटवा लेते हैं,
अपनी बेटियों को बचाने के लिए बाप अपने शरीर की बलि तक दे दिया करते हैं। मैं तो उस परंपरा से हूँ, लेकिन मुझे हस्तिनापुर की परंपरा नहीं पता पितामह। आज मुझे अपने मुख से अपने हस्तिनापुर की परंपरा तो बताइए कि यहाँ कुल वधुओं के साथ, बेटियों के साथ, पुत्र वधुओं के साथ ऐसा ही व्यवहार होता है। अगर होता है तो आज अपना मन में ऐसी भावी दुर्घटनाओं के लिए तैयार कर लेती हूँ पिताजी। लेकिन मेरे एक प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा, आपको ये बताना होगा कि जब मेरे पति जुए में सब कुछ हार गए थे तो पत्नी पति का ही अंग होती है, पति की इज्जत में पत्नी की इज्जत छिपी होती है, पति के अपमान में पत्नी का अपमान होता है। अगर मेरे पति दास बन चुके थे तो मैं तो अपने आप दासी बन गई थी, मुझे अलग से दाव पर क्यों लगाया गया। बोलिए पितामह, आज आपका मौन मेरे हृदय की पीड़ा को 10 गुना बढ़ा रहा है। एक नारी के प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। ये प्रश्न मात्र द्रौपदी का नहीं है, ये प्रश्न भारत की नारी संतान का प्रश्न है, ये प्रश्न मात्र मेरा नहीं है पितामह, ये इस संसार की एक बेटी का प्रश्न है, इस आपके पुत्र वधु का प्रश्न नहीं है पितामह। ये प्रश्न तो नारी जाति का प्रश्न बन गया है, आपको मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। मुझे आखिर दाव में क्यों लगाया गया, क्यों मैं दुशासन के हाथों अपमानित हुई पितामह? क्या आपकी परंपराओं में भाभी को मां नहीं बोलते क्या? क्या भाभी अपने देवर में पुत्र नहीं देख सकती? हे द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें। इतने में दुशासन आगे बढ़ा, कहने लगा, बनकर अपना नरगल प्रलाप और झट से द्रौपदी की साड़ी पर हाथ डाला और उसकी साड़ी का हरण करने लगा। द्रौपदी ने कहा, मत करो, इस भरी सभा में ऐसा दुर्व्यवहार मत करो। मैं किसी घर की बेटी हूँ, किसी की संतान हूँ, कहीं ना कहीं मैं इस देश के भविष्य से भी तो जुड़ी हूँ, मैं ही तुम्हारी संस्कृति का अंग हूँ। दुशासन अपनी सभा में मुझे अपमानित मत करो। हे द्रोणाचार्य, आप इन समस्त कौरवों पांडवों के गुरु कहलाते हैं, आपने इन सबको शिक्षा दी है, क्या आपके शिक्षा शास्त्र में ऐसी कोई बात नहीं थी कि इनको ये समझाया जाए कि नारी का सम्मान करें? क्या आपके शिक्षा शास्त्र में नारी में मां का रूप देखना वर्जित है क्या? बोलिए द्रोणाचार्य, और आपकी शास्त्र शिक्षा क्या कहती है कि पति के हारने पर पत्नी को अलग से क्या दांव पर लगाने का अधिकार आपका शास्त्र देता है? बताइए द्रोणाचार्य, गुरु की उपाधि से आप मंडित हैं, गुरु का कार्य समाज में प्रकाश को फैलाना है, अज्ञान का अंधकार को खत्म करना, लेकिन आज जहां आप बैठे आपकी सभा में ही अधर्म का अंधकार पनप रहा है, कैसे गुरु हैं आप? हे कुल गुरु कृपाचार्य, मस्तक उठाइए कुल गुरु कृपाचार्य, आज सिर झुकाकर क्यों बैठे हैं? मेरे को एक प्रश्न का उत्तर चाहिए, मुझे ये बताइए आपको कुल गुरु क्यों कहा जाता है? कुल गुरु का मतलब होता है जो कुल की लाज को बचाए, जो कुल का रक्षण करे, कुल की परंपराओं का वाहन करे। तो आज इस कुल की एक नारी की लाज खतरे में और कुल गुरु सिर झुका के बैठा है, कैसे संभव है? कैसे संभव है? मेरे प्रश्न का उत्तर तो दीजिए कुल गुरु, नहीं दुशासन, मेरे साथ अत्याचार अनाचार मत करो। दुशासन एक नारी की लाज ही सब कुछ होती है, दुशासन मेरा चीरहरण नहीं। द्रौपदी
स्वयं रक्षित होने का प्रयास करती है, लेकिन दुशासन के हाथ बढ़ते चले जा रहे हैं। द्रौपदी कहती है, हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप तो धर्म के अवतार माने जाते हैं, आपका धर्म क्या है आप जानते हैं? एक पत्नी की लाज संकट में है, एक पत्नी अपने पति के समक्ष गुहार कर रही है, इस समय आपका धर्म है मेरी रक्षा करें। जिस अग्नि को साक्षी मानकर आपने मुझे अपनाया था, आज आप अपने सारे वचन भूल गए। आप एक कुशल योद्धा है, आज अपनी शक्ति दिखाइए और मेरा रक्षण कीजिए। लेकिन आज धर्मराज युधिष्ठिर का धर्म भी मौन पड़ गया। द्रौपदी की दृष्टि गई बलिष्ठ भीम की ओर। हे महावीर योद्धा, हे बलिष्ठ भीम, हजारों हाथियों का बल समाया है तुम्हारी भुजाओं में, ये बल किस काम का जो अपनी अबला पत्नी का रक्षण ना कर पाए? पति का धर्म क्या है? पत्नी की पत रखना, पत्नी की लाज रखना, पत्नी का रक्षण करना। राजा की पत्नी की पत खतरे में है, अपने भुजाओं का बल दुखाइए और इन आतताइयों को मार डालिए, मेरा रक्षण तो करें। लेकिन आज बलिष्ठ भीम मौन है, आज उनका बल रेत के कण के समान हो गया। पांचाली की दृष्टि धनुर्धारी अर्जुन पर है, वो अर्जुन जो सी भरी सभा में जीत कर लाया, जिसने लक्ष्य भेद किया, द्रौपदी का वरण किया, कहने लगी, गांडीव धारी उठाओ अपना गांडीव। एक भरी सभा में आपने मत्स्य भेद कर अपने लक्ष्य का भेदन कर मुझे प्राप्त किया था, और राजा इसी भरी सभा में मेरी लाज को लुटते देख रहे हैं। अपना गांडीव उठाइए, हे गांडीव धारी, मेरी लाज बचाइए, मेरी सहायता करें। हे नकुल, हे बुद्धिमान सहदेव, आज कुछ तो युक्ति आपके पास होगी कि आप किस इस धर्म पत्नी की रक्षा हो पाए और दुशासन के बढ़ते हाथों को कोई तो काट डाले। दुर्योधन के इस कटु शब्दों से मेरी आत्मा तार तार हो रही है, कोई तो सामने आए, कोई तो मेरी रक्षा करे। हे काकाश्री, आप तो सत्य के देवता हैं, आपका तो सारे बहुत सम्मान करते हैं, और कटु सत्य के लिए हे विदुर काका आप जाने भी जाते हैं। हे धर्म और नीति के अवतार, इस कुल की लाज खतरे में है, आप ही कुछ कीजिए। हे दादाश्री, मैंने अपने जीवन में कभी भी आपको सच्चे मन से आपकी कलाई पर राखी बांधी है, तो तुम्हें सौगंध है उस रक्षा बंधन की। तुम जहां भी हो अपनी बहन का रक्षण करने आओ। आज एक बहन अपने दूर स्थित भाई का आह्वान करती है, मेरा रक्षण करो मेरे भाई, और अपनी राखी का कर्ज चुकाओ। लेकिन आज उस अबला की पीड़ा कोई नहीं सुन पा रहा, लाचार बेबस विवश असहाय द्रौपदी को सहसा ही अपना गिरिधर याद आया। हे गिरिधारी, मात्र तू ही इस जगत का रक्षक है, ये मोह और स्वार्थ के नाते मैंने देख ली, तुम्हारे अतिरिक्त कोई और मेरा सहारा नहीं, अब मेरी लाज तेरे हाथों। लाज रखो गिरधारी, लाज रखो गिरधारी, लाज रखो गिरधारी, लाज रखो गिरधारी।
जय श्री राज रखी अर्जुन की भारत युद्ध मझारी सारथी हो के रथ को हाँक्यों सारथी हो के रथ को हाँक्यों चक्र सुदर्शन हरि राज रखो गिरधारी लाज रखो गिरधारी लाज रखो गिरधारी Yeah.